राइट, सो गुड मॉर्निंग बच्चों. अब हम जो क्वेश्चन करेंगे ये सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है. सीबीएसई 2024 फिजिक्स क्वेश्चन. ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार अपने चैनल पे करा हुआ है. अभी रिसेंटली भी करा था मैंने. कई तरह की चार्ज कन्फिग्रेशन का मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करते हैं वो ऑलरेडी सिखा दिया, तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर टू. आई थिंक ये मेरा फोकस है बेसिकली. राइट, इसमें भी बच्चों को दिक्कत आई, बच्चों को लगा बहुत मुश्किल है. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेसिकली. आप देखिए इसके अंदर करना क्या था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मान लीजिए. राइट, सो देयर कैन बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच एग्जिस्ट. राइट, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है और कोई भी शेप हो सकती है उसकी, अभी हम उसकी चिंता नहीं करते. ये आपको एक पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आ रही होगी, तो आप अज्यूम कर लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब आपके पास एक चार्ज Q1 है इन्फिनिटी पे, वो आप लेके आए यहां पे. राइट, सो यू ये चार्ज Q1 इन्फिनिटी पे, आप इसको Q1 को यहां पे ले आए. इज लोकेटेड एट R1, राइट. ऑब्वियसली इसका कुछ यू नीड टू हैव कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये R1 के ऊपर लोकेटेड है. तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज R1. ओके, फिर आप इंफिनिटी से एक चार्ज लेके आए Q2. ओके, वो जब आप चार्ज लेके आए Q2 तो आपने उसको रखा यहां पे Q2, और वो R2 के पे डिस्टेंस के ऊपर लोकेटेड है. राइट, सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर. ठीक है, ये सिचुएशन ये है. देखिए मैंने आपको बार बार बोला है कि डायग्राम जो होता है कॉन्सेप्ट जो है उसको ढूंढने में हेल्प करता है. सो द प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्चुलाइजेशन. ओके, जो आपका प्रोसेस है कॉन्सेप्चुलाइजेशन का, आप कॉन्सेप्ट कैसे करें, उसको दिमाग में कैसे उसकी पिक्चर बनाए सिचुएशन की, वो मैंने देखिए बना दी. अब जब मैं इंफिनिटी से यहां पे एक चार्ज को लेके आया इन एन एक्सटर्नल फील्ड ई, अब इस एक्सटर्नल फील्ड का R1 डिस्टेंस पे कोई पोटेंशियल होगा. राइट, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का R1 पे एक पोटेंशियल होगा. सो द वर्क यू हैव टू डू फ्रॉम ब्रिंगिंग Q1 टिल दिस प्लेस, इस चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाने के लिए आपको कितना काम करना पड़ेगा Q1. सॉरी आई हैव बैड थ्रोट टुडे. Q1 इनटू V1 R1. राइट, दिस इज अ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय द जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसने अपना पोटेंशियल पैदा करा हुआ है. सो यू विल हैव टू डू सम वर्क. तो आपका ये यहां पे वर्क डन स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. जब आप चार्ज Q2 लेके आए तब भी आपको एक वर्क डन करना पड़ गया, दैट इज Q2 इनटू V2 R2. नाउ दिस पोटेंशियल व्हिच इज द पोटेंशियल ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड एट R2 डिस्टेंस, यहां पे एक्सटर्नल फील्ड का कोई पोटेंशियल भी है जब इंफिनिटी से आप इसको यहां लेके आए, तो भी आपको काम करना पड़ गया. तो अभी तक आपने दो काम करे हैं, इज इक्वल टू Q1 V1 R प्लस Q2 V2 R. जब इस चार्ज को आप लेके आए, राइट, तो इन दोनों ये चार्ज पहले ही पड़ा हुआ था वहां पे. राइट, Q1 एंड Q2 वॉज ऑलरेडी लाइंग देयर, पड़ा हुआ था. आप Q2 को जब लेके आने की कोशिश कर रहे थे, चाहे Q1 और Q2 के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन हो, रिपल्शन होगी तो पोटेंशियल बढ़ेगा, एनर्जी सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगी, और अगर अट्रैक्शन है तो एनर्जी गिरेगी. लेकिन देयर विल बी एन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन Q1 एंड Q2. तो एक एनर्जी और आ जाएगी. जब Q1 लेके आए थे तो कोई भी नहीं था, राइट, सिर्फ एक्सटर्नल फील्ड था. लेकिन जब Q2 लेके आए तो एक एक्सटर्नल फील्ड के अलावा जहां पे आपको काम करना पड़ गया Q2 V2, ये भी तो आपको ये वाला चार्ज भी तो आप बैठा हुआ है जो
जिससे आपका इंटरेक्शन होगा, तो उसकी वजह से जो आपकी एनर्जी है Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 12, व्हिच इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पोटेंशियल वेक्टर्स को सबट्रैक्ट कर दें तो R1 2 की वैल्यू आ जाएगी, राइट? सो नाउ योर टोटल एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड इन द सिस्टम, आपने जो पहला काम करा था Q1 V1 R, दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड एट R1. दूसरा आपने जो काम करा था Q2 V2 R2, और जो आपने तीसरा करा था दैट वाज Q1 Q2 4 पाई, ये आपस में चार्ज का. जनरली क्या होता है कि ये आंसर है, राइट? दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम और द वर्क डन. जनरली क्या होता है कि हमारे पास जो चार्जेस है, राइट, उसमें एक्सटर्नल फील्ड अगर नहीं लिखा होता तो दो चार्जेस या तीन चार्जेस Q1 Q2 है, इनके बीच में डिस्टेंस है, तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है. अगर आप एक और चार्ज लगा देंगे यहाँ पे, देन आप पेयर बना लेंगे Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो भी इनके डिस्टेंसेज है आपस में वो बीच में लगाते रहिए, इंटरेक्शन Q R12 Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23. तो सिर्फ चार्ज हो और एक्सटर्नल फील्ड ना हो, राइट, तो ये ठीक है. लेकिन अगर मैं यहां पे एक्सटर्नल फील्ड भी लगा दूं, ये वाला, राइट, तो सिचुएशन बदल जाती है. और यहां पे जो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से पोटेंशियल होता है वो भी ऐड करना पड़ जाता है, राइट? सो आई हैव टू ऐड दिस आल्सो. सो नाउ यू हैव, इधर आपके देखिए 1, 2, 3 एक्सप्रेशन थे जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल नहीं था. अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक्सटर्नल आ गया, ये वाला, राइट, ये एक्सटर्नल फील्ड, तो उसने एक हर पॉइंट के ऊपर जहां आपने चार्ज रखा है पोटेंशियल भी क्रिएट कर दिया, राइट? पोटेंशियल ड्यू टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पे लाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, दैट वर्क इज QV, तो आपका वो वर्क भी स्टोर हो जाता है. तो ये क्वेश्चन जो था थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था और ये थ्योरी के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. बच्चों को शायद ही मुश्किल लगा होगा, बट ये NCERT में फुल्ली एक्सप्लेन्ड है एज पार्ट ऑफ द थ्योरेटिकल डिस्कशन. सो आई होप यू लाइक दिस सॉल्यूशन, और आपको समझ में आया कि क्यों ये एक्सप्रेशन अगर आप लिख के आ गए पेपर के अंदर जहां पे आपने सिर्फ यहीं तक लिखा तो ये गलत होगा. आपको ये भी एक्स्ट्रा लिखने थे Q1 V1 और Q2 V2 R2, which were the work done against the potential of the external field. अब वो work done positive or negative है, that is a different discussion. आप values तो डाली सकते हैं Q1 V1 और Q2 V2. So I hope you like this video. Please do subscribe to my channel for some wonderful videos. I already have a playlist of electrostatics. 4 मैंने बना रखी है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अलग बनाई है, कैपेसिटेंस की अलग बनाई है, चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अलग बनाई है, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अलग बनाई है. कैपेसिटेंस बड़ा टॉपिक होता है. तो करीब 500 वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऑलरेडी अवेलेबल है. शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो बोर्ड के एग्जाम में या एंट्रेंस एग्जाम में जो मैंने करा है वो नहीं आएगा, राइट? तो आप या मिलता जुलता क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट टू से, बट कॉन्सेप्ट अगर आपकी स्ट्रांग है और हर क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करी गई है, सिचुएशन को समझा गया, डायग्राम को समझा गया और फिर सॉल्व करा गया, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत होगा. कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस चैनल पे बने रहे और वीडियोस को समझते रहे, आपका कॉन्सेप्ट वैसे ही स्ट्रांग हो जाएगा. तो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल.